हाय एवरीवन, सो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज जो डेट है वो है 9th, और आज है डे मंडे। तो मैं आप सभी के साथ में अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया था, मैंने ना एक ट्राईपॉड का वेट कर रही थी और मैंने सोचा था चलो एक ट्राईपॉड मैं बाय कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियोज़ बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने एक ट्राईपॉड ख़रीदा है, दैट इज़ DigiTech लाइट वेट DV ट्राईपॉड, जो कि बहुत ही रीज़नेबल अफोर्डेबल प्राइजेस में मुझे मिल गया है। और 400 रुपये का पड़ा ये वाला ट्राईपॉड, और बहुत ही कन्वीनियंट और मतलब इजी टू यूज़ है, जो कि मुझे बहुत अच्छा भी लगा रेट वाइज भी, और ऑफ कोर्स आपको क्वालिटी भी अच्छी मिल गई है इसमें मुझे। तो आप सभी भी अगर आप बाय बाय कर रहे हो तो आप लोग इसको भी कंसिडर कर सकते हो, ये अच्छा है। और अब जो जो आज के दिन में होता रहेगा वो मैं आपके साथ में शूट करके आपको शेयर करती रहूँगी। ट्राईपॉड इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि स्टैंड के लिए मैंने सोचा था कि स्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए मैंने ये वाला ख़रीद लिया है। तो चलिए फिर मेरे साथ बने रहे मेरे ब्लॉग में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, सो वेलकम टू माय क्लास, गुड वेलकम टू पाथवे क्लासेस। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो लॉजिकल रीजनिंग का होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कि डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है। सबसे पहले आपको मैंने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बताया हुआ है, तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के अकॉर्डिंगली मैंने आप सभी को यहाँ पे कन्वे किया है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्विकली। सो गाइज, मैंने अपनी क्लास ले ली है, सो आई एम डन विद माई क्लास। तो सोचा कि चलो आप सभी के साथ में मैंने शेयर कर दिया है कि कैसे मैं कैसे सेटअप क्रिएट करती हूँ, कैसे मैं क्लासेस लेती हूँ। अभी मेरा यूट्यूब सेशन था और अब शाम को इवनिंग में अन अकेडमी का एक सेशन होगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे सेशन लेती हूँ, राइट, अन अकेडमी की क्लासेस को कैसे लेती हूँ। और इसी तरीके से आप मेरे ब्लॉग देखते रहिए और मेरे ब्लॉग में बने रहिए, एंड तक ब्लॉग में बने रहना है, सो दैट आपको मेरा पूरा डे रूटीन पता चले कि मेरा कैसा रूटीन रहता है। सो गाइस, मैं अभी सैलेड कट कर रही हूँ, लंच की तैयारी हो रही है, सोच रही हूँ थोड़ा सा सैलेड कट कर लूँ। बाकी अभी रोटी बनाऊंगी मैं थोड़ा सा, क्योंकि रोटी हम लोग ना गरम गरम ही खाते हैं, तो हाउस हेल्पर आंटी है ना उनसे नहीं बनवाते हैं, क्योंकि हम लोग गरम गरम ही रोटी खाते हैं, तो मैं गरम गरम ही बनाती हूँ रोटी। और एक छोटी सी मूली है, तो सोचा कि मूली भी कट कर लूँ। आ जाइए आप भी सभी खाने के लिए लंच। आज जो लंच पे बनाया है हाउस हेल्पर आंटी ने, वो बनाया है बैंगन आलू, जो कि मेरे फेवरेट हैं। आलू बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं और सबको ही वैसे पसंद है यहाँ पे। तो अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ गाइस रोटी बनाना। आज वाटर भी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे, तो दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ठंड है और सभी के यहाँ पे वैसे ठंड हो रही होगी, क्योंकि है ही ठंड का मौसम। Enjoy your lunch. Guys, मेरी चाय और नमकीन मटर है, ये वाले मेरे फेवरेट हैं, तो ये तैयार हो चुके हैं और मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना। और देखो गाइज, मेरे सेटअप भी तैयार हो चुका है, मैं अकेडमी क्लास के लिए रेडी हूँ।
और ये मेरा हेडफोन्स है जो कि अभी मैं लगाने वाली हूँ थोड़ी देर में, तब तक मेरे साथ बनी रही। सो गाइस, मैं अपनी वीडियो एंड करने के लिए आई हूँ, सो दैट क्योंकि मैंने जो मॉर्निंग में वीडियो स्टार्ट की थी कि वो कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब वीडियो को एंड कर देते हैं। तो ऐसा ही मेरा दिन आज का रहा था और इस तरीके से मेरा रूटीन रहता है, जैसे कि आज मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया। और आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड यस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।